हरे कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई रिसेंटली क्लियर्ड माय एसपीओएम सेट बी विद 74 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट। एंड आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी अपनी स्ट्रैटेजी जो मैंने फॉलो करी थी, क्या नोट्स रेफर करे, मैंने कौन से टीचर्स की वीडियोज देखी, कितने दिन में प्रिपरेशन करी, एंड सब कुछ मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करती हूँ मैं कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी रही थी। तो मैंने सबसे पहले सॉल्व किए थे ICAI के हर चैप्टर में जो इन बिटवीन इलस्ट्रेशंस हैं प्लस टेस्ट योर नॉलेज के जो क्वेश्चंस हैं वो। अब उसे सॉल्व करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो चैप्टर्स, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि मैंने मोस्टली क्वेश्चंस में किया था। बट अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप CA रोहन गर्ग की वीडियोज़ रेफर कर सकते हो। उसने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं। बट ऐसा नहीं है कि आपको उसकी वीडियोज़ ब्लाइंडली फॉलो करें। मैंने पर्सनली क्या किया था, मैंने सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व किए थे, और जिस क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, जिस क्वेश्चंस में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे सॉल्व होगा, मैंने सिर्फ उसी क्वेश्चंस के लिए उसकी वीडियोस रेफर करी थी। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। इससे आपको दो बेनिफिट होंगे। एक, ऑब्वियसली आपका टाइम सेव होगा, आपको सारी वीडियोस नहीं देखनी पड़ेंगी। एंड सेकंड, आपको क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी। जब आप खुद से सॉल्व करोगे तो आपको क्वेश्चन बेटर समझ आएगा, रादर देन अगर आप सिर्फ वीडियो देखोगे तो आपको इतनी क्लैरिटी नहीं मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं मैंने कौन कौन से चैप्टर्स छोड़े थे। मैंने चैप्टर 9 छोड़ा था, जिसमें कुछ क्वेश्चन हैं RY वर्सेज RI के, EVA के, ट्रिपल बॉटम लाइन के, और मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग छोड़ा था। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे अटैम्प्ट में वो सारे क्वेश्चन आए थे जो टॉपिक्स मैंने आपको अभी बताए। सो पर्सनली मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कोई भी चैप्टर छोड़ के जाना। एटलीस्ट एक बार गो थ्रू कर लीजिए, सो दैट उसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप अटैम्प्ट तो कर पाओगे। अगर आप पूरा चैप्टर छोड़ के जाओगे तो अगर उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए अनफॉर्चुनेटली तो आप वहाँ पर फंस जाओगे, क्योंकि आपको आइडिया भी नहीं होगा कि वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे करना है। सो एक बार गो थ्रू कर लेना। उसके बाद बात करते हैं कि मेरे अटैम्प्ट में क्या क्या क्वेश्चन आए थे। सो लिस्ट बहुत लंबी है, इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में वो सारे क्वेश्चन लिख दिए हैं जो मेरे अटैम्प्ट में आए थे, प्लस जो मेरे कलीग्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे जूनियर्स के एग्जाम में आए थे, सो दैट आपको आइडिया लग जाए कि एग्जाम में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं कि मैंने कौन से टीचर्स रेफर किए थे। सो ऑब्वियसली मैंने आपको एक बताया, मैंने रोहन गर्ग की वीडियोज़ देखी थी फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चन। उसके अलावा मैंने संकल्प सर के शॉर्ट वीडियोस की एक प्लेलिस्ट है वो पूरी देखी थी एग्जाम से एक दिन पहले। उन्होंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ रहे हैं वो सब कवर किए हुए हैं उस प्लेलिस्ट में, तो वो प्लेलिस्ट आपको ज़रूर देखनी है। उस प्लेलिस्ट से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उन सबका एक आइडिया लग जाएगा कि किस टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद अगर बात करें कि मैंने कौन से नोट्स रेफ़र करे थे, सो पर्सनली मैंने सिर्फ और सिर्फ ICAI स्टडी मैट रेफ़र किया था फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एज वेल एज थ्योरी। मुझे ऐसा फील हुआ कि कॉस्ट में न्यू क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं या फिर ICAI स्टडी मैट से क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो मैं आपको यही रेफ़र करूँगी कि आप ICAI स्टडी मैट के क्वेश्चंस करो। चैप्टर में जो इलस्ट्रेशंस हैं, जो एक वो बॉक्स में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं प्लस टेस्ट योर नॉलेज, उनको छोड़ के जाने का कोई ऑप्शन है ही नहीं, वो तो आपको प्रायोरिटी पे रखने हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट थ्योरी पार्ट। तो मैंने थ्योरी पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं किया था, टू बी ऑनेस्ट मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम दिया था, और थ्योरी मैंने करी थी एग्जाम से सिर्फ एक दिन पहले। मैं सुबह लेकर बैठी थी थ्योरी, और सुबह से लेकर शाम तक मुझसे जितनी थ्योरी हुई उतनी मैंने की। कुछ मैंने ICAI स्टडी मैप से सेल्फ स्टडी करी थी, बाकी मैंने अतुल सर के जो रिविजन वीडियोज़ हैं लास्ट रिसेंट अटैम्प्ट के लिए, मैंने कुछ कुछ चैप्टर्स की वो देखी थी। उससे ज़्यादा मैंने थ्योरी पे टाइम नहीं लगाया था। उसके बाद मैं थ्योरी के लिए एक चीज़ और कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि आप थ्योरी छोड़कर चले जाओ, सिर्फ प्रैक्टिकल पार्ट करके चले जाओ और आप पास हो जाओगे, क्योंकि कॉस्ट में अभी तक जो एक्सपीरियंस रहा है सब स्टूडेंट्स का, मैं आपको बताती हूँ, ऐसा है कि किसी के में 50% प्रैक्टिकल 50 थ्योरी, किसी के में 70 प्रैक्टिकल 30 थ्योरी, किसी के में 60% थ्योरी 40% प्रैक्टिकल। तो आप सोली प्रैक्टिकल पार्ट पर डिपेंड होकर एग्जाम देने नहीं जा सकते हो। थ्योरी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और काफ़ी अच्छे लेवल के पूछे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि थ्योरी बिल्कुल छोड़ कर जानी है, आपको दोनों चीज़ें बैलेंस करके चलनी है। कि मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैंने लास्ट टाइम पर थ्योरी कवर की, बट अगर आपको लगता है कि आप एक साथ इतनी थ्योरी नहीं कर पाओगे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल पढ़ो, उसके साथ उसी चैप्टर की थ्योरी भी साथ साथ में करते जाओ, सो दैट आपका एग्जाम तक सारा थ्योरी पार्ट भी कवर हो जाए। बट अगर आपको लगता है आप एग्जाम से एक दिन पहले सारा थ्योरी कवर कर सकते हो तो आप वो भी स्ट्रैटेजी ऑप्ट कर सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन यू, हर बच्चे का अलग कैलिबर होता है और थ्योरी हर किसी याद करने का तरीका अलग होता है। किसी को एक साथ सारी पढ़ने पर जल्दी याद होती है, किसी को थोड़ी थोड़ी रोज पढ़ने पर याद होती है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हो कि आपको कैसे पढ़ना है। सेट ए लॉ की स्ट्रैटेजी ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, अगर किसी का लॉ का एग्जाम रहता है अभी तो वो स्ट्रैटेजी की वीडियो देखकर जरूर जाना, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उसके अलावा हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 600 प्लस CA स्टूडेंट्स हैं। हम लोग ने एक वर्चुअल लाइब्रेरी स्टार्ट करी हुई है, प्लस मेंटरिंग सेशंस एंड गाइडिंग सेशंस भी ऑन है, तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो सो दैट आप अदर CA स्टूडेंट्स के साथ कनेक्टेड रहो और साथ में पढ़ सको। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।